अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के लेटेस्ट अपडेट क्या है। सबसे पहले दोस्तों आज आपके हो चुकी है 28 सितंबर 2019। जी हाँ दोस्तों, आज की हम बड़ी अपडेट देखने वाले हैं। सबसे बड़ी अपडेट आज के न्यूज पेपर की आ रही है आपके 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की सुनवाई 1 को। जी हाँ दोस्तों, अब आपके मामले की सुनवाई 1 अक्टूबर 2019 से आगे बढ़ेगी। इसका रीजन दोस्तों ये है कि आज से आपकी छुट्टियां शुरू हो रही हैं। दूसरी बड़ी खबर दोस्तों, 68,500 शिक्षक भर्ती पुनर्मूल्यांकन में सफल अभ्यर्थी फिर पहुंचे हाईकोर्ट। जी हाँ दोस्तों, जो 68,500 में जो बच्चे पास हो चुके हैं वो एक बार फिर से हाईकोर्ट जा रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर दोस्तों आज की देखते हैं, शिक्षक भर्ती के लिए नए आयोग का मसौदा जल्द। वर्तमान में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के साथ डालिए शिक्षकों के रिक्त पदों पर एक नजर। जी हाँ दोस्तों, उसको देखेंगे। फिर दोस्तों 68,500 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति आदेश पालन का निर्देश, उसको देखते हैं। फिर 69,000 शिक्षक भर्ती पासिंग मार्क मामले में आज सुनवाई का सार टीम रिजवान अंसारी की कलम से। तो दोस्तों आप लोग आज टीम रिजवान अंसारी मतलब साफ कहने का 40-45 से अगर आप समर्थक हैं तो आप ये अपडेट को भी देख सकते हैं। 40-45 अपडेट आ चुकी है दोस्तों टीम रिजवान अंसारी की तरफ से, कि मतलब 40-45 की क्या पोजीशन है, अभी जीत रहा है या हार रहा है, उसको दोस्तों देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों चलिए बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करेंगे, जो आपके न्यूज पेपर की खबर आ रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की सुनवाई 1 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में। प्रदेश प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में प्रदेश सरकार समेत अन्य अभ्यर्थियों की विशेष अपीलों पर फाइनल सुनवाई शुक्रवार को जारी रही। ठीक है, अब इस मामले की सुनवाई 1 अक्टूबर को नियत की गई है। इन अपीलों में एकल न्यायाधीश के उस फैसले व आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें सरकार को भर्ती में सामान्य के लिए 45 और आरक्षित वर्ग के लिए 40% अर्हता अंक रखने के निर्देश दिए गए थे। तो दोस्तों मतलब कहना कि ये था 40 और 45 कटा, जो आपका दोस्तों सिंगल बेंच का फैसला आया था उसको चैलेंज किया गया। न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति इरशाद अली की खंडपीठ के समक्ष सरकार की तरफ से महाधिवक्ता ने बीते मंगलवार को दलीलें दी थी। अब अन्य पक्षकारों के अधिवक्ता की बहस जारी है। साल की शुरुआत में हुई परीक्षा के बाद सरकार ने अर्हता अंक सामान्य वर्ग के लिए 65 और आरक्षित वर्ग के लिए 60% तय किए थे। इस निर्णय के खिलाफ एकल पीठ में कई याचिकाएं दायर की गई थी। तो दोस्तों ये थी पूरी खबर। अब दोस्तों बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या दिक्कत हुई भाई। पुनर्मूल्यांकन में सफल अभ्यर्थी फिर पहुंचे हाईकोर्ट, ऐसा क्यों हो रहा है इसको देखते हैं। 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में पुनर्मूल्यांकन के बाद सफल हुए अभ्यर्थियों ने एक बार फिर नियुक्ति के लिए हाईकोर्ट से गुहार लगाई। कोर्ट के आदेश के बावजूद अब तक नियुक्ति नहीं दिए जाने पर अवमानना याचिका दाखिल की गई है। याचिका पर कोर्ट ने प्रदेश सरकार से जानकारी मांगी है, साथ ही आदेश के अनुपालन का एक और मौका दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगली तिथि पर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की जाए, वरना अदालत अवमानना की कार्रवाई शुरू करेगी। अनिरुद्ध नारायण शुक्ला और अन्य की अवमानना याचिका पर न्यायमूर्ति ठीक है एम सी त्रिपाठी सुनवाई कर रहे हैं। याचिकागढ़ ने दोस्तों आपके 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती के परिणाम को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट के आदेश पर उनकी उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन हुआ जिसमें वह सफल घोषित हुए। इस पर कोर्ट ने सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दिया। कई बार याचिकाएं दाखिल करने के बाद बेसिक शिक्षा परिषद ने नियुक्ति का मामला प्रदेश सरकार को भेजा है। अब यह प्रकरण प्रदेश सरकार के पास कई माह से लंबी चल रहा है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सरकारी काम काज है भाई, वो सब तो होने वाला है नहीं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं शिक्षक भर्ती के लिए नए आयोग का मसौदा जल्द। ये क्या है दोस्तों, पूरी खबर को पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आपके 39,700 पद प्रधानाचार्य प्रवक्ता व सहायक अध्यापक के एडेड इंटर कॉलेजों में 2,000 लगभग असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली हैं। सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में 69,000 में दोस्तों ये सब चल रहा है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये कि जो जो आपके पद खाली है उस पर बात की गई है कि कहां पर कितनी वैकेंसियां खाली हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहले यहां बात करते हैं, प्रदेश में बेसिक माध्यमिक व उच्च शिक्षा से जुड़े शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्ती के लिए एक आयोग बनाने के लिए मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शासन ने मसौदा बनाने के लिए जो कमेटी गठित की है जिसमें उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की सचिव वंदना त्रिपाठी, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की सचिव कीर्ति गौतम और बेसिक शिक्षा परिषद की सचिव रूबी सिंह को
शामिल किया गया है। कमेटी जल्द ही इसका प्रस्ताव शासन को भेजेगी और आवश्यक संशोधन के बाद नए आयोग का गठन हो जाएगा। हालांकि यह अभी स्पष्ट नहीं है कि फिलहाल रिक्त पदों की भर्ती वर्तमान में कार्यरत संस्थाएं ही करेंगी या फिर नए आयोग की जिम्मेदारी दी जाएगी। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में राजकीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में भी भर्ती की जिम्मेदारी नए आयोग को देने की चर्चा की जा रही है। 2017 में सरकार गठन के बाद माध्यमिक और उच्च शिक्षा की भर्तियों के लिए एक आयोग बनाने की कवायद शुरू हो गई थी। दोनों आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष एवं सदस्यों ने इस्तीफा भी दे दिया था, लेकिन बाद में मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। फिर एक बार फिर मतलब मई महीने में मुख्यमंत्री कार्यालय ने बेसिक माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा की भर्ती के लिए नए आयोग का प्रस्ताव तैयार करने को कहा था। ठीक है दोस्तों, ये सब चीजें। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे आपका कि शिक्षक भर्ती में नियुक्ति आदेश पालन का निर्देश। तो दोस्तों आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग को 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती के एक अभ्यर्थी को 66 की जगह 67 अंक देकर उसे नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश का अनुपालन उसका हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। ऐसा ना करने पर कोर्ट संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अवमानना का आरोप तय करेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति एम सी त्रिपाठी ने अनिरुद्ध नारायण शुक्ला की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता प्रभाकर अवस्थी को सुनकर दिया है। ठीक है दोस्तों, यही बात हो रही थी। देखिए याचिका पर कोर्ट ने चार्ट तलब किया था, जिसे देखने पर पता चला कि याची के 66 की जगह 67 अंक है जो न्यूनतम उत्तीर्णांक है। इस पर कोर्ट ने एग्जामिनेशन रेगुलेटरी बोर्ड के सचिव निर्देश दिया कि याची को चार्ट के आधार पर नया अंक पत्र जारी किया जाए। साथ ही उसके बाद प्रक्रिया के पूरी 2 माह में याची को नियुक्ति पत्र जारी किया जाए। देखिए दोस्तों होता क्या है, अगर आप लोग पास हैं तो भी फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सिस्टम थोड़ा डाउन है, लेकिन आने वाले समय में उसको सही किया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि भाई शिक्षा मित्र की टीम से क्या अपडेट आती है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। जी हाँ दोस्तों, 27 सितंबर की क्या अपडेट है शिक्षा मित्र की तरफ से। तो टीम रिजवान अंसारी की तरफ से आज कोर्ट में नंबर 1 में लंच बात केस ही हियरिंग स्टार्ट हुई। विपक्षी पार्टी की तरफ से मोस्ट सीनियर एडवोकेट एसके कालिया जी ने अपना सबमिशन और आर्गुमेंट स्टार्ट किया। उनका पूरा आर्गुमेंट एजी की दलीलों के समांतर रहा। दोनों भर्ती परीक्षाओं की तुलना टेट अर्हता के पासिंग अंक आदि मुद्दों पर रहा, लेकिन कोर्ट ने इन बातों से कतई संतुष्टि नहीं हुई। माननीय जस्टिस इरशाद अली ने कालिया जी से पूछा कि क्या 7 जनवरी का आदेश सही है, यदि सही है तो किस नियम के तहत सही है। इसका जवाब कालिया जी के पास नहीं था। इसके बाद मोस्ट सीनियर एडवोकेट श्री जे एन माथुर का आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होता है। माथुर साहब ने कोर्ट को 68,500 और 69,000 की लिखित परीक्षाओं के प्रश्न पत्र निर्धारित समय की वजह से पासिंग मार्क में विभिन्नता की बात स्पष्ट करनी चाहिए, लेकिन कोर्ट का फिर से वही प्रश्न दागना कि 7 जनवरी का आदेश किस आधार पर सही माना जाए सिद्ध करता है कि माथुर साहब की अभी तक दलीलों उस अवैध पत्र को वैध नहीं सिद्ध कर सके। बार बार कोर्ट का 7 जनवरी के पक्ष उस अवैध पत्र पर एक कमेंट करने से यह सिद्ध होता है कि कोर्ट को अभी तक विपक्षी सहित सरकार सेटल्ड लॉ के मुताबिक वो जवाब नहीं दे पाए जो कोर्ट सुनना और देखना चाहती है। देखिए दोस्तों, कोर्ट का समय समाप्त हो चुका था। अगली सुनवाई हेतु 1/10/2019 की तिथि नियत की है। स्थितियां सकारात्मक है, लेकिन हमें अभी भी अति उत्साहित नहीं होना है क्योंकि मामला कोर्ट में, इसलिए कोई भी चूक भारी पड़ सकती है। कोर्ट में कब क्या क्या हो जाए किसी को नहीं पता रहता। जब तक हमें खंडपीठ की इस महाभैया का अंतिम जीत का जजमेंट प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक जीत की दुदब्बी बजाना उचित नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यही बात हो रही है कि भाई अभी जो 69,000 शिक्षक भर्ती में हो क्या रहा है कि 60 और 65 की जो दलीलें दे रहे हैं वकील साहब, ठीक है सरकार की तरफ से, लेकिन दोस्तों कोई ये स्पष्ट नहीं कर पा रहा है कि जो 7 तारीख को सातना देश आया था अगर वो सही है तो किस नियम और कानून के तहत सही है। दोस्तों देखिए, सभी चीज के एक नियम और कानून होते हैं। देखिए बोलना और समझाने में फर्क होता है। हम लोग भी बोल देंगे नहीं ठीक है यार। देखो होता क्या है ना दोस्तों, अगर आप योग्यता की बात कर रहे हैं तो काफी हद तक या 99% आप कहें तो चलिए जायज है कि जो बच्चों के नंबर ज्यादा है उनको नौकरी मिलनी चाहिए, ये बात बिल्कुल दोस्तों सही है। लेकिन दोस्तों बात आ जाती है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिए हैं कि शिक्षा मित्रों को उनके उम्र के हिसाब से उनको 12 अंक दिया जाएगा, तो दोस्तों सभी शिक्षा मित्र को 25 अंक का 12 अंक तो स्योर है, मिलना ही मिलना है। ठीक है,
तो फिर दोस्तों उनके साथ कंपटीशन करना इतना आसान किसी भी बच्चे के लिए नहीं होगा, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, नॉन शिक्षा मित्र हो, चाहे आप कुछ भी हो। तो दोस्तों इतना आसान आपके साथ नहीं होने वाला। तो ये शिक्षक भर्ती दोस्तों अभी शुरुआत है, खत्म नहीं हुई है। तो दोस्तों और भी अपडेट्स के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए। जैसे शिक्षक भर्ती की आपकी अपडेट्स आती रहेंगी दोस्तों, आपको मिलती रहेंगी। तो फिलहाल दोस्तों 28 सितंबर 2019 की टूडे ब्रेकिंग न्यूज और आज की बड़ी खबरें यही सब थी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और उम्मीद करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, जल्दी पूरी होगी।